नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। शिक्षक अभ्यर्थियों का एक लंबा इंतजार बीते दिन मंगलवार की रात खत्म हो गया। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि आखिर बीपीएससी कब विज्ञापन निकालेगा और उन सभी शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी। इसका इंतजार शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कई महीनों से कर रहे थे और बीते दिन मंगलवार की रात बिहार सरकार ने उनका इंतजार खत्म कर दिया और बीपीएससी ने 1,70,400 कुछ पदों पर भर्ती निकाली। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को ये तो पता चल गया है कि आखिर कितने पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन इन पदों पर नौकरी लेने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को करना क्या होगा, कब वो फॉर्म भर सकते हैं, कितनी पढ़ाई करनी होगी, आखिर सिलेबस कितना है और सारे शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी, ये तमाम सवाल शिक्षकों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो अब हम इसका जवाब लेकर आए हैं कि आखिर अगर सभी शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी सैलरी कितनी होगी और इस परीक्षा को पास करने के लिए उन्हें कितनी पढ़ाई करनी होगी, इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है उसके लिए आपको एप्लीकेशन भरने की जो पहली तारीख है, कब से शुरू कर दिया जाएगा एप्लीकेशन, वो जून का महीना रखा गया है, यानी कि 15 जून से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और ये लगातार 12 जून जुलाई तक चलता रहेगा, यानी कि लगभग एक महीने तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और उसके बाद जुलाई के एक महीने बाद, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के एक महीने बाद अगस्त महीने में बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 19-20 को भी बीपीएससी परीक्षा लेगी और उसके बाद अगस्त महीने की 2 और तारीख है जब बीपीएससी परीक्षा लेगी। 19-20 के अलावा 26 और 27 अगस्त को परीक्षा लिया जाना है, रिजल्ट दिसंबर तक आ जाएगा। अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpscbih.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जब लिंक एक्टिव होगा तब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गई कि आखिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख क्या है, लेकिन इसके अलावा जो पद हैं वो भी डिवाइड किए गए हैं। हम आपको बताते चलें कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए 79,943 पद हैं, कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद हैं और इसके बाद कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो है 1,70,000 पद हैं और ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि 1 से 5 है, उसके बाद 9 से 10 और उसके बाद 11 से 12 है। और इसके साथ साथ अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो हम आपको बताते चलें कि सामान्य के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 36.5 है, ईबीसी के लिए 34 है और इसके साथ एससी एसटी और महिला दिव्यांग के लिए 32% है। और अगर अब बात हो गई कि इतना क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि अगर आप इतना अंक लेते आते हैं, इतना प्रतिशत अगर आपके पास आ जाता है बीपीएससी की परीक्षा में, तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम, ये बात बीपीएससी की तरफ से बताई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो पैसे हैं वो इस तरीके से लिए जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 200 रुपये हैं, इसके अलावा सामान्य वर्ग के पुरुष और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये रखा गया है। प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 से 5 तक के जितने भी शिक्षक होंगे उनकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। इसके अलावा कुछ भत्ते भी मिलेंगे, पेंशन भी नियम के अनुसार दिया जाएगा। कक्षा 9 से 10 के लिए 31,000 रुपये प्रतिमाह वेतन है और भत्ते भी हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल 11 से लेकर 12 तक, यानी 11-12 को मूल वेतन 32,000 रुपये मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भत्ते दिए जा रहे हैं। ये तमाम जो सैलरी है ये बताई गई है और इसके अलावा जो अन्य जानकारी भी हम आपको देते चलें तो बता दें कि आयु सीमा में भी कुछ छूट दिए गए हैं, अपियरिंग कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए एनसीईआरटी आधारित सिलेबस होगा। अगर सिलेबस की बात की जाए तो हम आपको बताते चलें कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित पुस्तकों को पढ़ना होगा, लिहाजा उनके नियुक्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इनसे ही पूछे जाएंगे। राजकीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का सिलेबस मूल रूप से एनसीईआरटी के सिलेबस पर ही आधारित होगा, यानी कि जिस भी कक्षा के आपको परीक्षा देनी, यानी जिस भी कक्षा
कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उस कक्षा की तमाम एनसीईआरटी सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, आप परीक्षा पास कर पाएंगे। एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तमाम जानकारी बीपीएससी की तरफ से दी गई है। इस बारे में अगर कोई भी अपडेट निकल कर सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।